मोबाइल तो दे मतलब उनका भाई क्या ही गुंडा कर दी। हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका? कंप्लेन करके तो कोई फायदा नहीं है ना बेचारे, वो भी तब से ढूंढ रहे हैं, एक डेढ़ घंटा हो गया। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं भी काफी बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप सभी भी काफी बढ़िया होंगे। और मैं निकल चुका हूँ फिलहाल अपने घर से। अभी हम आए हैं उत्तम के घर, उत्तम के घर जाएंगे एक्चुअली। अभी हमारी ट्रेन जो की है, तो आए थे अभी, वापिस से जाना पड़ेगा हमें राजस्थान, जयपुर से। जयपुर तक हमारी है ट्रेन, जो मेन ट्रेन है वो हमारी कामाख्या से। इस बार कामाख्या एक्सप्रेस नहीं होने वाली है, इस बार दूसरी ट्रेन है, देखते हैं। अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं भी उस ट्रेन में, कवि गुरु एक्सप्रेस। देर क्या कर रहे हैं? इतना देरी क्यों कर रहे हैं? तो यही बैठा हुआ है। मौन जाए खड़ा होगा? नहीं, चल ले भाई। और क्या हाल है भाई के? गला भी देगा ट्रेन चला भाई। बाय शाहरुख खान बंदा है, गिर जाएगा वो। बाय बाय, फोटो लेके मत चला। आराम से, कुछ गिरा तो नहीं है। बाय बाय। तो फिर बैठ चुके हैं हम ट्रेन में, देखते हैं कब सुबह पहुंच आएगी। और सब लोग जा चुके हैं, सीट वगैरह भी मिल चुकी है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई है। तो गाइस, अभी उत्तम का फोन आया था और एक बुरी न्यूज़ है कि मैं जो बाइक लेके आया था मंदिर के साथ, जो कि सुशांत की बाइक थी, उसकी चाबी मैं मेरे साथ लेके आ गया। तो अभी चाबी मैं लेके आ गया। मैं जो ब्लॉग का शूट कर रहा था उस समय उत्तम का फ़ोन आया और उसने बोला कि मंदिर का फ़ोन आया कि उसने बोला कि चाबी फेंक जल्दी से। मैं तो एकदम चाबी मैं ढूंढ रहा हूँ, चाबी मेरे को मिल नहीं रही है पॉकेट में भी। मैं एकदम अचानक से फ़ोन आया था, मैंने सोचा क्या मांग लिया इन्होंने, तब इसीलिए मैंने जल्दी से पॉकेट वगैरह चेक किया और उसके बाद ही चाबी निकाली। और ऐसे ही अंदाजों में तो हल्का सा मैंने कोई एक साइन ढूंढ लिया था जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने फेंकी है। तो मैंने चाबी फेंक दी। अभी वो लोग ढूंढ रहे हैं मेरे को, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कहाँ पे फेंकी, यहाँ पे मैंने। अभी बताते बताते भाई मेरी जान से निकल गई। उनको फिर भी बताया है कहाँ पे फेंकी है, थोड़ा बहुत वो बता दिया है, उसको साइन वगैरह दे दिया मैंने उनको। तो अभी वो लोग देखेंगे मिल पाएगी नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं हैंडल लॉक भी करके आया था, वो तो धक्का लेकर भी नहीं जा पाएंगे। और अगर सुशांत की बाइक है उसके पास अगर दूसरी अगर चाबी नहीं रही तो दिक्कत आने वाली है, लोटे लग गए भाई। तो गाइस, थोड़ी देर पहले मनदीप का कॉल आया और चाबी मिल चुकी है फाइनली। और कितनी 2 बजे लगे थे वो लोग चाबी ढूंढने के लिए, एंड इट्स नाउ 3:24, 3:24 हो चुका है, मतलब 1.5 घंटे की छानबीन के बाद फाइनली चाबी मिल चुकी है। मतलब मैंने फेंकी थी वहां पे, उनको नहीं मिली, शायद से उछल के चाबी पटरी की उस तरफ चली गई। तो गाइस, अभी रिसेंटली हुआ कि किन्नर आए थे पैसा मांगने और मैंने मना कर दिया, तो जबरदस्ती कर रहे हैं और फोन वगैरह भी स्नैच करने की कोशिश की मुझसे और बदतमीजी की बहुत ही गलत तरीके से। मैंने वैसे वीडियोस में देखा है जो लोग रेलवे के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन सब वीडियोस में मैंने देखा है कि किन्नर वगैरह मतलब बदतमीजी वगैरह करते हैं। और आज मैंने पहली बार खुद भी फेस किया। और IRCTC का जो कि हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर रहा हूँ, वो भी बिजी दिखा रहा है। अभी देखते हैं, डायरेक्टली कामाख्या जंक्शन में पहुँचने वाला हूँ। कामाख्या जंक्शन पहुँचते ही देखते हैं, अगर RPF के कोई भी अगर बंदे मिलते हैं तो RPF को वहाँ पर कंप्लेन वगैरह करूँगा। फुल्ली मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वो फ़ोन वगैरह स्नैच कर रहे थे, मैंने सोचा कि फालतू में अगर फ़ोन वगैरह मतलब पकड़ के फेंक वेंक दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने वीडियो वगैरह बंद करके पॉकेट में डाल दिया सब कुछ। जो कि मैंने बड्स वगैरह भी लगाए हुए थे, बड्स वगैरह भी मैंने पॉकेट में डाल लिए,
पता नहीं इनका भरोसा नहीं है, ये फेंक वेक देते हैं तब दिक्कत हो जाएगी फालतू में, क्योंकि यहाँ पे ना तो सीसीटीवी है ना कुछ और, जनरल कंपार्टमेंट है। तो अभी देखते हैं अगर आरपीएफ का अगर कोई भी बंदा मिलता है मैं श्योरली इनकी कंप्लेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बात नहीं है, हर किसी के साथ ये ऐसे ही करते हैं, कोई भी अगर पैसा नहीं देता है तो जबरदस्ती करते हैं। फक एकदम दिमाग खराब हो चुका है मेरा। मैं उधर चुका हूँ यहाँ पर कमख्या जंक्शन, जो किन्नर वगैरह मेरे को परेशान कर रहे थे वो फिलहाल मिले हैं नहीं, उनका पीछा वगैरह भी मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे पास सामान वगैरह थे, सामान वगैरह की देखभाल के लिए कोई था नहीं। आरपीएफ का जवान है यहाँ पे लेकिन अब बताकर फ़ायदा है नहीं क्योंकि वो है भी नहीं, अगर यहाँ पर आसपास अगर दिखाई देते हैं तब मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कंप्लेन वगैरह कर सकता हूँ उनके अगेंस्ट, लेकिन अब आई डोंट थिंक कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। निकल चुके हैं वो, मतलब उनका भाई क्या ही गुंडा कर दी, क्योंकि ऐसी कंपार्टमेंट में इतना वो नहीं करते, जनरल कंपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देते हो, एसी में भी मिलते हैं लेकिन एसी में ऐसी जबरदस्ती वाली जबरदस्ती नहीं करते, वो दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, दिखाई अगर देते तो इनकी मैं लेता हूँ ठीक से। गुड मॉर्निंग सर, सर हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका रेलवे का? जो रास्ता है वो किन्नर वगैरह मिली है, फोन वगैरह खींचने की कोशिश कर जी, फोन लेके क्या? ना ना लेके तो नहीं गया, लेके तो कहाँ जाने देता अभी बस चला गया, लेके नहीं गया, मतलब खींच रहे थे फोन वगैरह, पैसा मांगा मैंने उनको बोला कि पैसा मेरे पास है नहीं, मैं खुद कमख्या जाकर वहाँ से कैश निकलवाऊंगा एटीएम वगैरह। कहाँ से? थोड़ा पहले मतलब कमख्या पहुँचने थोड़ा देर पहले, दो तीन मिलेगा जी, अभी मिलेगा सर, अभी कहाँ मिलेगा वही तो अभी, इसलिए मैं आपको कंप्लेन वगैरह क्योंकि कुछ भी मैं बोल जाता हूँ, हम देखते हैं अभी तो बोल के आपको फायदा नहीं है, इसीलिए अगर वो मिलते ना यहाँ पे तब मैं आपके पास लेके आ जाता हूँ, फिर आपको बोल देता ही है, अभी तो वो किधर से आती है जी, अभी तो किसी किधर से निकल गए होंगे आपको भी नहीं पता, हाँ ना अभी तो चले गए होंगे सर, अभी तो चले गए होंगे, छोड़ो मैंने नंबर भी, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। उनको सर को बोल दिया मैंने, सर गए हैं देखने के लिए, फिर भी चेक करने के लिए अगर मिलते हैं तो सही है। हेल्पलाइन नंबर भी मैंने कॉल किया था, रिसीव नहीं हुआ मेरा कॉल, तो कोई बात नहीं, शाम को मेरी ट्रेन है आज 6:30 को और टाइम हुआ है 7:36 और 6:30 तक मेरे को टाइम स्पेंड करना है। फिलहाल कम से कम 10 घंटे बैठने के बाद अभी बैठ बैठ के एकदम पिछवाड़ा दुखने लग गया और अभी डायरेक्टली जाते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है 6:30 को, अभी और आधा घंटा और है, आधा घंटा और बैठना पड़ेगा। भीड़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अब लोग देख सकते हैं कमख्या स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत स्टेशन माना जाता है इसको और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो फिर आ चुके हैं इस ट्रेन, अभी अंदर जाकर सेट वेट हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को डायरेक्ट, बाय बाय। वैसे सीट मिल चुकी है और पिछली बार थी ये वाली एंड इस बार होने वाली है अपर, और बोर होने वाला हूँ काफ़ी एंड कोई नहीं, नींद के मज़े ले लेकर जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है 6:30, थोड़ी देर में सारे से डिपार्ट कर देगी ट्रेन और चार घंटे की जर्नी फिलहाल ख़त्म हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर नहीं उतरे क्योंकि गांधीनगर के पास में ही मेरे फ्रेंड का जो कि फ्लैट है वहां पे जाएंगे अभी। तो
हाँ मैं कॉल करूँगा, हाई लेवल मेरे को मैसेज कर दियो, वहाँ पे नंबर दे दियो, चल रहे। तो ये भाई मिल गया था, इसके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने ट्रेन के अंदर, और ये भी मेरी कॉलेज से पास आउट है, आसपास का ही है। वैसे अच्छी थी जर्नी, नॉट बैड। अभी चलते हैं आकाश के रूम पे, आकाश शायद से ऑफिस में है। तो फिर गाइस अभी आ चुके हैं आकाश के ऑफिस पे, और पहुँच कर हमने चेंज वगैरह भी कर लिया, लगेज वगैरह भी रख दी। अभी चलते हैं डायरेक्टली आकाश के पास, ऑफिस में हो उस। इस तरफ ही, इस तरफ से चलते, इधर ही होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने आकाश को मेरे ब्लॉग में पहले कभी नहीं देखा होगा। आकाश जो कि मेरा भाई है, तो फिर अभी चलते मिलाते हैं उससे। ये रहा आकाश। हेलो, क्या हाल है भाई के? हेलो मिथिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिथिया, आप कैसे हो? बढ़िया। हाय बोल दो मिथिया। हाय, ये है मिथिया। अभी पहुंचा है क्या? और आकाश, हाँ पहुंचा तो मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंच गया था, उसके बाद लगेज वगैरह रख दी और लोकेशन ले लिया था, फाइनली पहुंच गए। और आकाश दो महीने बाद मिल रहे हैं। इससे पिछली बार जब मैं आसाम गया था, इसके थ्रू वो कहीं गया था। आफ्टर ऑफिस आवर्स थोड़ा हम लोग बाहर घूमने उमने जाएंगे और देखते हैं क्या प्लान बनता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे ही नए व्लॉग्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।